हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइड इफेक्ट चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर अपडेट। आज इस वीडियो में टिस पैट, टिस मैट एंड ओपीआई के डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। टिस नेट 2021 का स्कोर आउट हो चुका है, जैसा कि हर बार की तरह मेरे स्टूडेंट सभी कैंपस में सिलेक्ट हुए हैं, HRM में भी सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी एक वीडियो आएगा कट ऑफ का भी, तो वो भी वीडियो देखना। और ये इस वीडियो कितना ड्यूरेशन का बनेगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रह सकता है आपके लिए। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना, जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं टेस्ट नेट को 2021 को क्वालिफाई किए, तो पूरे वीडियो को देखना। तो इस वीडियो में सारे ही बातें मैं डिस्कस करूँगा, जो भी आपको शायद जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने टिस नेट को क्वालिफाई कर चुके हो तो कौन कौन से एग्ज़ामिनेशन होंगे। एक तो टिस पैट होगा और एक टिस मैट होगा, और उसके बाद OPI यानी कि ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू क्या है, जैसा कि आप लोग क्या होता था टिस में, अगर आप सिलेक्टेड हो तो जिस कैंपस में सिलेक्टेड हो और जिस प्रोग्राम में सिलेक्टेड हो उस कैंपस में जाकर, और उसी के प्रोफेसर लोग आपको आपको डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरव्यू होता था, वो अब क्या कर दिया गया है, वो अब आपको ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप जैसा ही एक स्क्रीन के सामने बैठकर आपको इंटरव्यू देना है, आपसे जैसे क्वेश्चन पूछते थे वैसे ही आपको आंसर देना है, बस यही है ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। आपको फिजिकली जाकर कैंपस में, जैसा कि कोई स्टूडेंट मुंबई कैंपस में सिलेक्ट होता था, कोई हैदराबाद में सिलेक्ट होता था, तो उसको वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देना पड़ता था। अब वो नहीं रहा, क्योंकि आप जानते हो पैंडेमिक है। ठीक है, तो पैंडेमिक के चलते तो ट्रैवलिंग तो बंद कर दिए गए हैं, तो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। तो इसमें किसी को कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जिस जिस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ उसका इंडिविजुअली आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। जितने भी प्रोग्राम में सिलेक्टेड हुआ, तीन प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ, मैक्सिमम तो तीन ही प्रोग्राम है, तीनों में आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, इंटरव्यू देना ही देना है आपको। ठीक है, और यही आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, ऐसा और कुछ नहीं है। बस जिस प्रोग्राम के आप लोग सिलेक्टेड हो वही प्रोग्राम के देखना, प्रोफेसर आपको देखने को मिलेंगे, एक दो तो रहेंगे ही रहेंगे, और वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर देना है ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू में। तो चलते हैं टिस मैट के बारे में, सबसे पहले बात कर लेते हैं टिस मैट के बारे में। टिस मैट कौन किनको देना है, जो स्टूडेंट अगर HRM या ODCL में सिलेक्ट हुए हो उनको टिस मैट देना है। ठीक है, HRM और कौन से प्रोग्राम, ODCL यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट चेंज एंड लीडरशिप ऑफ मुंबई कैंपस। ठीक है, तो टिस मैट क्या है, एक 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है, MCQ टाइप क्वेश्चन रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है रॉन्ग आंसर की, तो समझ लेना कि आंसर करने से पहले अगर आप कंफर्म नहीं हो तो क्या करना है, वो आपको डिसीजन लेना, आपको आंसर करना है या नहीं करना है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना टिस मैट में। और कितने मार्क्स का होता है, 50 मार्क्स का होता है, ड्यूरेशन क्या है, 45 मिनट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीन चीज़ याद रखना, 45 मिनट, 50 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस क्या है, जैसा कि टिस मैट पहले भी होता था, जैसे कि ये बिल्कुल नया थोड़ी ना है, मैं बताऊँ तो टिस मैट पहले भी हो चुका है। क्वेश्चन बताऊँ तो क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है जो DI के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हाँ आपको जल्दी टाइम लिमिट देख के करना होता है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम समझ आता है। 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो तो। और इसमें क्या सिलेबस रहता है, इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन रहेंगे आपको। ठीक है, डबल चार्ट, डबल पाई चार्ट, सब क्वेश्चन रहेंगे आपको, सारे ही DI के टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, जिन्होंने मेरा PDF लिया होगा उसमें DI का जो मैंने फाइल्स दिए हैं वो सारे कर लिए, तो आपके ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा पढ़ने की, अगर आपने DI के मेरे
पीडीएफ लिए होंगे, तो उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने शेयर किए आपसे, तो उस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो डीआई के क्वेश्चन आएंगे आपको, बिजनेस अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बिजनेस अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी को ये बात ज़रूर याद रखना है कि इसमें बिजनेस अवेयरनेस के जीके टाइप क्वेश्चन आते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तीन सेक्शन होता है, स्कोर तो एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगा कि कौन कौन से जीके कितने मार्क्स का आता है, वो मुझे अभी बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन एक तीन सेक्शन होते हैं वो बस याद है मुझे, ठीक है। तो ये 45 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, 50 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। किनको देना है? जो एचआरएम एंड ओडीसीएल में अप्लाई किए हैं, अगर इन दोनों में अप्लाई किए हो और इन दोनों में अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो आपको नहीं देना है, अगर सिलेक्टेड हो तभी देना है आपको प्लेसमेंट। अगर किसी बंदे ने एचआरएम में भी अप्लाई किया है, ठीक है, ओडीसीएल में भी अप्लाई कर दिया है, लास्ट में एक डेवलपमेंट स्टडीज़ में अप्लाई कर दिया, अब ये बंदा दोनों में सिलेक्ट नहीं होता और डेवलपमेंट स्टडीज़ में सिलेक्ट हो जाता है, तो इसको टिस मैट नहीं देना होगा, इसको टिस पैट देना होगा, क्योंकि टिस पैट फॉर द अदर प्रोग्राम के लिए है जो कि नॉट फॉर द एचआरएम एंड और ओडीसीएल के लिए, जो भी ओडीसीएल या एचआरएम में अप्लाई किए उसको छोड़ के बाकी सारे प्रोग्राम के लिए टिस पैट है, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ कि टिस मैट और टिस पैट में क्या है डिफरेंस, ठीक है। तो टिस मैट क्या हो, और टिस मैट देने के बाद आपको क्या होगा? ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, सभी को यही फॉलो करना होगा, ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। ओपीआई इज कंडक्टेड फॉर सेपरेटली फॉर ईच प्रोग्राम, जैसा कि मैंने बोला था हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग ओपीआई होगा, ठीक है। अप्लाइड शेड्यूल ऑफ ओपीआई विल बी अनाउंस्ड आफ्टर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर नोटिफाइड। कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट द ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू ओनली आफ्टर अटेंडिंग द टिस पैट एंड टिस मैट एज द केस में भी, ठीक है। तो टिस पैट और टिस मैट होने के बाद ही आपको ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू देना है, पहले किसी को नहीं देना है ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। तो समझ आ रहा होगा, और बहुत ही ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरा, पर्सनल इंटरव्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मैं बताऊँ तो पर्सनल इंटरव्यू। वेटेज पे आएंगे बात करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू क्यों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट नेट ये सब क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाकी के मुताबिक, क्योंकि अगर वेटेज देखा जाए और मार्क्स देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टेस्ट नेट और ओपीआई में ही दिया गया है, ठीक है। किसी किसी प्रोग्राम वेटेज नहीं बोलूँगा, टोटल मार्क्स बोलूँगा, ठीक है, टोटल मार्क्स बहुत ज़्यादा दिया गया है ओपीआई के लिए। तो इसके बाद चलते हैं पैट में, पैट क्या है? टिस पैट एक पिछले साल तो कोई ऐसा पैट एग्जामिनेशन हुआ नहीं था क्योंकि लॉकडाउन थी, पेंडेमिक था, तो जिन्होंने जो अदर देन एचआरएम और ओडीसीएल में अप्लाई किए थे उनका एक एग्जामिनेशन हुआ, फिर डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ, फिर उसी पे मेरिट लिस्ट बना दिया गया वेटेज को डिवाइड करके, ठीक है। तो पिछले साल तो कोई पैट हुआ नहीं है तो हमें भी मालूम नहीं है क्या है पैट, लेकिन उसके भी पिछले साल यानी कि बताओ तो 2019 में एक बार टेस्ट कंडक्ट किया था, ऑफलाइन ही कंडक्ट किया था, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे याद है कि 2019 में एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे थे, जो भी फिजिकली गए थे सब कैंपस में जाकर इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उन्होंने कुछ प्रोग्राम स्पेसिफिक क्वेश्चन भी एमसीक्यू पूछे थे, जो कि बिल्कुल कंफर्म याद नहीं है कि क्या थे, कैसे हुआ था, उस टेस्ट का नाम क्या था, लेकिन हाँ पूछे गए थे। उसी को ही मुझे लग रहा है कि इन्होंने अब प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट बना दिया गया है, लेकिन इसके बारे में डिटेल अभी भी कंप्लीट नहीं आई है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 2019 में कुछ ना कुछ एमसीक्यू पूछे गए थे जैसा कि मुझे याद है। पहले क्या होता था, उससे भी पहले क्या होता था, यहाँ पे होते थे ऐसे राइटिंग, ठीक है, ऐसे राइटिंग होती थी पहले, ऐसे राइटिंग देना रहता था जो भी कोई सा भी प्रोग्राम में,
क्वेश्चन होते थे, तो ऐसे राइटिंग होती थी, और उसके बाद आपको इंटरव्यू होता था। और ये एचआरएम में क्या होता था, इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता था, लेकिन ग्रुप डिस्कशन का तो जिक्र किया ही नहीं गया है, कहीं पे भी नहीं दिया गया है वेबसाइट में ग्रुप डिस्कशन के बारे में। तो ग्रुप डिस्कशन मुझे लगता है इस बार नहीं है, ठीक है, ओपीआई ही लिखा गया है। पहले ग्रुप डिस्कशन भी होता था ओनली फॉर द एचआरएम एंड ओडीसीएल, नॉट फॉर द अदर प्रोग्राम, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन बाकी सारे प्रोग्राम में नहीं होते थे, लेकिन इस बार भी कहीं पे दिया नहीं गया है कि ग्रुप डिस्कशन होने वाला है, तो मैं मान लेता हूँ कि नहीं होने वाला। अगर होगा भी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओनली ओपीआई ही दिया गया है, ठीक है, फॉर द एचआरएम एंड ओडीसीएल का भी। तो जो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आप लोग रेगुलर विजिट करते रहना, अपडेट देखते रहना, क्योंकि टिस भी यही कह रहा है, आप लोग तो अपडेटेड चेक करते रहो। और हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट छोड़कर कहीं पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी ये सारे पॉइंट ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेता हूँ, अदर वेबसाइट की कोई ज़रूरत नहीं आपको चेक करने की। तो चलो देखते हैं क्या है। टिस पैट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन। टिस पैट एंड ओपीआई विल बी बेस्ड ऑन द टिस नेट मार्क्स, ऑन द रेशियो ऑन द नंबर ऑफ सीट अनाउंस्ड फॉर इंडिविजुअल प्रोग्राम। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव कॉल लेटर फॉर द सेकेंड राउंड टिस पैट एंड ओपीआई टू बी हेल्ड इन सेंटर इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 2021। तो मार्च तो जाने वाला, आप तो मार्च में भूल ही जाओ, अप्रैल में होगा आपका टिस पैट, ठीक है। अ टिस पैट विल बी कंडक्टेड बिफोर द ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू के पहले टिस मैट भी होगा, टिस पैट भी होगा, इसमें कोई ये नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सभी को मालूम है कि पैट और मैट देने के बाद ही ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। और प्रोग्राम एप्टीट्यूड टेस्ट इज ए प्रोग्राम स्पेसिफिक, ठीक है, प्रोग्राम स्पेसिफिक है, लिखा भी है ऑफिशियल वेबसाइट में कि प्रोग्राम स्पेसिफिक, यानी कि प्रोग्राम से रिलेटेड एमसीक्यू या कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं। अब क्या क्वेश्चन रहेंगे, कैसे रहेंगे, वो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसा कि टिस पैट फॉर्मेट विल बी अपडेटेड सुन, ये जो बात लिखी गई है ये सबसे बड़ी राहत है। टिस पैट फॉर्मेट विल बी अपडेटेड सुन, देखते हैं कब अपडेट होता है, आप लोग भी चेक करते रहना, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट में। मैं भी चेक करते रहूँगा, अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो आपसे शेयर भी करूँगा वीडियो में, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो टिस पैट आपका 45 मिनट का टेस्ट होने वाला है, सेम टिस मैट की तरह, लेकिन मार्क्स के बारे में यहाँ पे शो नहीं किया गया है। लेकिन अगर मैं वेटेज की बात करूँ, नेक्स्ट पेज में वेटेज है, तो देख लो यहाँ पे लिखा गया है कि टिस मैट का टिस पैट का 50 मार्क्स का होने वाला है। जो वेटेज कैलकुलेशन में बात कर रहे थे, जो भी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, उसमें टिस पैट पे 50 मार्क्स लिखा गया। तो यहाँ पे तो मार्क्स के बारे में बात नहीं किया गया है, तो मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि वेटेज में और फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन में 50 मार्क्स दिया गया है टिस पैट को, तो ये भी 50 मार्क्स का ही होगा। लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा ये पता नहीं है, कहीं पे भी नहीं दिया गया कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं होगा। तो ये आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा। आप लोगों को अपना प्रोग्राम स्पेसिफिक, जो जिस प्रोग्राम में सेलेक्ट हो उसके बारे में डिटेल लेते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है, तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा सभी के लिए। ये बिल्कुल न्यू है, ठीक है, सभी के लिए ये बिल्कुल न्यू हो, तो ऐसा आप ही केवल नहीं हो इंडिविजुअल की आपको ही प्रॉब्लम हो, टिस पैट सभी के लिए ही न्यू है। टिस मैट पहले भी होता था, ये बात मुझे भी मालूम है, तो वो जो जिन्होंने पहले भी टिस मैट दिया हो, क्योंकि टिस मैट सभी दे सकते थे पहले। टिस मैट का रूल था पहले का कि अगर आप एचआरएम एंड ओडीसीएल में अप्लाई किए हो तो टिस नेट आपको देना है, ठीक, टिस नेट खत्म होने के बाद सेम डे को ही आपको टिस मैट देना रहता था। जो कि जिन्होंने पहले पिछले बार दिया है उनको मालूम भी होगा कि टिस मैट का कैसा क्वेश्चन पेपर आता है और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो टिस मैट बहुत लोगों ने दे भी दिया होगा, ये तो मुझे पता ही है, पक्का पता है। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि टिस नेट को
टेस्टनेट एग्ज़ाम होगा, फिर टेस्टनेट में सिलेक्ट हो गए तो टेस्टमेट देना पड़ेगा, टेस्टपैड देना पड़ेगा, फिर ओपीआई देना पड़ेगा, फिर ऐसा बना के रखा गया है। और हाँ, टेस्ट पैट मैट एंड ओपीआई ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आपको पैट में सिलेक्ट होना पड़ेगा, मैट में सिलेक्ट होना पड़ेगा तब जाके ओपीआई दोगे, ऐसा बिल्कुल रूल नहीं है। पैट ओपीआई मैट ओपीआई ऐसे करके देना है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको पैट का नंबर देख के ओपीआई देना, नहीं, पैट ओपीआई सेम होगा, सेम डे को ही होगा और आपका सभी का होगा, मैट ओपीआई सभी का होगा, जो भी लोग अगर एचआर में ओडी सेल में सिलेक्ट हुए, पैट जो अदर प्रोग्राम में सिलेक्ट हो सभी का ओपीआई होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, पैट और मैट के बाद ओपीआई होगा, तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो सबको समझ आ गया है, प्रोग्राम स्पेसिफिक जैसा कि टेस्ट ने दे दिया गया, फॉर्मेट विल बी अपडेटेड सुन, 45 मिनट का टेस्ट होगा, मेरिट लिस्ट की जगह पे शो कर रहा है 50 मार्क्स का पैट, तो यानी कि समझ लो 50 मार्क्स का पैट का एग्जामिनेशन होने वाला है, मैट का तो पता ही आपको 45 मिनट का होगा, 50 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगा, लेकिन पैट का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि होगा या नहीं होगा, वो जो भी होगा अपडेटेड फॉर्मेट में आपको बता दिया जाएगा, आपको कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना प्रोग्राम स्पेसिफिक पढ़ते रहो, एमसीक्यू पे एप्टीट्यूड पे क्वेश्चन प्रिपरेशन करते रहो, सिलेबस का भी पता नहीं है कि क्या आप पूछेंगे टेस्ट पैट में, एग्जैक्टली पूछेंगे क्या, 50 मार्क्स यानी बहुत होता है, पूछना क्या है उनको, अभी तक कुछ फॉर्मेट अपडेटेड नहीं है, तो मैं कहूँगा वेट करो और कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, ठीक है। जीके के बारे में पढ़ते रहो, जीके पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, ये सब पढ़ते रहो, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देगा टेस्ट पैड में। लेकिन फॉर्मेट जब तक नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या आने वाला है, ठीक है। मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट तो पता ही बता ही दिया हूँ, फिर सभी को पी पैट मैट फिर ओपीआई देना है, ठीक है, जो भी जिस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ है, मैट सभी के लिए नहीं होगा जो भी एचआरएम या ओडीसीएल में सिलेक्ट हुए होंगे। तो ये तो हो गए आपके पैट मैट और ओपीआई के बारे में बात, ओपीआई के बारे में मैंने बोल ही दिया है कि आपको ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू देना है, कैंपस में जाके किसी को नहीं देना है, बस यही है ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू का मतलब। और आपके जो भी प्रोग्राम में आप सिलेक्टेड हो उस प्रोग्राम के प्रोफेसर आपको देखने को मिल सकते हैं एक दो, और वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आपको आंसर करना है, बस यही है, बस स्क्रीन पे होगा, वर्चुअल फॉर्म में होगा, बस यही है, वर्चुअल फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं है कि ओपीआई का कुछ अलग फॉर्मेट होता है, नहीं, वर्चुअल फॉर्म में होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं मेरिट जो भी कैलकुलेट कैसे होगा, तो आपको पता ही है टिस नेट का वेटेज, ठीक है, क्या दिया गया है, 30%, ठीक है, टिस नेट का वेटेज दिया गया है 30%, टिस पैट का वेटेज दिया गया 40%, लेकिन टोटल मार्क्स कितना है, 40, कितना है, 40, टोटल मार्क्स 50 है, 40% वेटेज दिया गया, सॉरी फ्रेंड्स, टोटल मार्क्स है 50 और वेटेज दिया गया 40%, और ओपीआई का देख लो मार्क्स कितना ज्यादा है, मैंने बोला था ओपीआई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देख लो 100 मार्क्स का आपका ओपीआई है, समझ लो 100 मार्क्स कितना ज्यादा होता है, तो उस पे आपका 30% वेटेज लिया जाएगा। तो अगर आप अच्छे से परफॉर्म किए हो, टेस्ट नेट का अगर स्कोर आपने बहुत ही अच्छा लिया है, मान लो कट ऑफ आपका 30 गया, मान लो कट ऑफ आपका 30 गया, अब आप ले आ रहे हो 70, तो समझ लो आपका कितना वेटेज हाई हो जाएगा, अगर कट ऑफ से कितना ज़्यादा ला रहे हो तो यहाँ पे वेटेज लग चुका है, जितना ज़्यादा कट ऑफ से ज़्यादा लाए हो उतना ही आपको बेनिफिट होगा एज पर कैलकुलेशन के रूल के मुताबिक, ठीक है। और यहाँ पे 40% का वेटेज दिया जाएगा और 50 मार्क्स का ही टिस पैट है, और फिर से देख लो ओपीआई 100 मार्क्स का ओपीआई है, पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का, बार बार बोल रहा हूँ ओपीआई पर्सनल इंटरव्यू के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करो, अगर किसी के भी अगर चांसेस बढ़ाना है सिलेक्शन के तो लग जाओ टेस्ट पैटर्न ओपीआई में,
बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर जिनका स्कोर कम आ चुका है या 100% सिलेक्शन ही चाहिए, तो सारे ही अगर प्रोग्राम में आप ज़्यादा ला रहे हो तो आपको तो सिलेक्शन होगा, ये नॉर्मल सी बात है, बच्चों वाली बात है ये। तो जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, पैट एंड ओपीआई में फोकस करो। ओपीआई के लिए पक्का मैं वीडियो लाने वाला हूँ, आपको ज़रूर हेल्प करेगी, ज़रूर हेल्प करेगी वो, तो आप देख लेना। और जो भी एचआरएम के लिए अप्लाई किया, आपको मालूम है 30% वेटेज फॉर द टेस्टनेट, ठीक है, टेस्टनेट के लिए 30% सेम वेटेज है। और यहाँ पे क्या वेटेज डाल दिए गए हैं, यहाँ पे टेस्टमैट का वेटेज लिया जाएगा, जो टेस्टमैट होने वाला है एचआरएम ओडीसीएल का सेम है, 40% का वेटेज है, 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी 100 मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू है, और फाइनल स्कोर रेशियो क्या रहेगा, 30:40:30, 30:40:30। तो ये रहा आपका पूरा होल एनालिसिस जो कि मैं बता दिया आपको इस वीडियो में। तो अभी से क्या करना है, टेस्टनेट कैसा भी गया क्या गया उसके बारे में सोचना भूल जाओ, ओपीआई के बारे में भूल स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, ओपीआई एंड पैट के बारे में। ओपीआई तो समझ लो 100 मार्क्स का है, और ओपीआई के लिए वीडियो ज़रूर आएंगे। ओपीआई के लिए सबसे पहले ये जानो कि आपको पढ़ना क्या है, आपने क्यों चूज़ किया है, जो भी प्रोग्राम को चूज़ किया क्या आपका मोटिवेशन है, व्हाई यू चूज़ दिस कोर्स, उसके बारे में ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और क्या क्या बेनिफिट होंगे वो भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पर्सनल इंटरव्यू के वीडियो में, तो वो भी आप लोग ज़रूर देखना। और इस वीडियो में इतना ही, अगर अभी भी कोई आपको लग रहा है कि किसी और वीडियो बनानी ज़रूरी है, किसी पे वीडियो आनी ज़रूरी है, तो कमेंट ज़रूर करना रिलेटेड टू दिस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, इसी तरह मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।